मैमल्स और बर्ड्स हीट प्रोडक्शन के लिए दो मैकेनिज्म्स यूज करते हैं. फर्स्ट इज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड द सेकेंड इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. सो बर्ड्स अपनी हीट को कैसे जनरेट करते हैं? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटीपेस पंप एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एवरी टाइम जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, स्लाइड ओवर ईच अदर. ठीक है, इससे क्या होता है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट करते हैं हीट. वॉलंटरी मसल्स के जो वर्क हैं, एक्शन है, उससे भी हीट जनरेट होती है और इनवॉलंटरी मसल्स के एक्शन से भी हीट जनरेट होती है. हीट जनरेशन बाय शिवरिंग, जब इस तरह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन से हीट जनरेट होती है तो उसे हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं. ओके, उसके अलावा एक एंजाइम होता है एटीपेस पंप एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. जब बॉडी ठंडी होती है तो थायराइड ग्लैंड रिलीज करते हैं थायरोक्सिन. जब बॉडी में थायरोक्सिन रिलीज होता है तो वो सोडियम आयंस की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है सेल में. ठीक, जिससे क्या होता है, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड और इसके हाइड्रोलाइज होने की वजह से अगेन एनर्जी रिलीज होती है और ऐसे प्रोसेस को नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं. वहाँ पर जो एनर्जी, जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस था, उसमें जो एनर्जी की प्रोडक्शन थी वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थी, जबकि इसमें जो हीट की प्रोडक्शन है, एनर्जी की जनरेशन है, वो कूलिंग मैकेनिज्म की वजह से सोडियम आयंस के सेल में मूव करने की वजह से है. ओके, ब्राउन फैट. ब्राउन फैट एक स्पेशल टाइप है प्रोटीन की जो के इंडिविजुअल्स में होती है. वो इंडिविजुअल्स जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, उनकी फैट का कलर ब्राउन, उनकी स्किन का कलर ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फैट को ब्राउन कलर देता है. इस फैट की वजह से बॉडी में हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और बॉडी वार्मर रहती है. हाइबरनेशन. विंटर्स में बहुत से एनिमल्स जो हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में जाकर रहते हैं, स्टे करते हैं. हाइबरनेशन के दौरान इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है और इन मेटाबॉलिक रेट इसलिए कम हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में होते हैं, ये कोई काम नहीं करते, एक तरह से स्लीप कंडीशन में होते हैं, तो इस वजह से इनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है और इस तरह ये अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन करते हैं, अपने बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके. टोरपोर हमिंग बर्ड्स में होती है. ये वो कंडीशन है जिसमें हमिंग बर्ड्स अपने मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को भी रिड्यूस करते हैं. ठीक है, और एक स्टेट में चले जाते हैं जिसे टोरपोर कहते हैं. ये स्लीप स्टेट होती है, इस स्टेट में इनको फूड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनकी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत कम हुई हो चुकी होती है इस स्टेट में.